किचन। अभी तक तो मैं कैमरे के पीछे से कर रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे भी आपसे मिलना चाहिए और आपको बताना चाहिए मैं कौन हूँ। एक्चुअली मैं एक हाउसवाइफ हूँ एंड होम मेकर भी बोल सकते हैं उसको। तो अब मुझे लग रहा था मैं बहुत फ्री टाइम फील कर रही हूँ, बच्चे बड़े हो गए हैं और लग रहा था कि मुझे भी कुछ मुझे इंटरेस्ट था कि मैं कुछ मुझे वैसे तो मुझे कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, बट अभी तक वो मैं घर के लिए बना रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी कुछ अपना कुकिंग का स्किल दिखाना चाहिए। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पालक पनीर के साथ, जो फटाफट बनेगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई को गर्म करके उसको इसमें हम देसी घी का यूज़ करेंगे। आप चाहे कोई भी अपना मनपसंद ऑयल यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा मूंगफली ऑयल यूज़ किया है। वैसे पालक पनीर में देसी घी को यूज़ करना बहुत ही अच्छा होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इन्हांस हो जाता है हमारा। जब घी मेल्ट हो जाए तो उसमें हम चॉप किए हुए लहसुन को डालेंगे, साथ के साथ मैं इसमें प्याज भी डाल दूँगी। प्याज को बारीक चॉप करेंगे, इसको चाहे तो आप चॉपर में भी यूज़ कर सकते हैं। जब लहसुन और प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाता है, लहसुन प्याज गोल्डन ब्राउन होता है तो उसमें जो जब हम इसको खाते हैं तो उसमें जो उसका बारीकी होती है वो बहुत टेस्टी लगती है। जब तक हमारा प्याज और लहसुन गोल्डन ब्राउन हो रहा है तब तक मैं हम क्या करते हैं कि अपने पालक को अच्छे से वॉश करके उसको भी मैं उबालने की तैयारी करती हूँ। पालक को उबालने का क्या ट्रिक है कि इसमें हम जब भी पालक, जैसे ही हमारा पालक बॉयल हो जाए तो उसको हम निकाल करके फटाफट ठंडे पानी में डाल देंगे, उससे हमारा जो पालक का कलर है बिल्कुल ग्रीन बना हुआ रहेगा। हम टमाटर को भी पीस लेते हैं, टमाटर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। वैसे प्याज की हीटिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम उसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। वैसे तो पालक पनीर हम सभी की फेवरेट होती है, बट इस जिस तरह से मैं बता रही हूँ इसको आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देखिए, उसमें बहुत सारी मैंने हेल्दी डिशेज को डाला है जिसको आप ट्राई करिए। जब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए अच्छे से तो उसमें हम टमाटर को भी ऐड कर देंगे। वैसे सच बताऊँ तो मुझे भी पालक पनीर पहले नहीं पसंद था, बट मैंने अपनी बुआ के घर में मैंने ये खाया तो उनका जो रेसिपी था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने वो रेसिपी वहीं से ट्राई करना शुरू किया, तो फिर जैसे जैसे मैं जब ये बनाने लगी तो मुझे लगा कि ये मेथड बहुत ज़्यादा इजी है और उसके साथ साथ वो टेस्टी भी है। बच्चे तो हरी सब्जियाँ खाना ही नहीं चाहते हैं, बट उन्हें किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में तो खिलाना ही पड़ता है, तो मैंने भी ये नया ही ट्राई किया है। आप मेरे चैनल पर देखिए, मैंने इसे पालक के कोफ्ते को भी बनाया है जो कि वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, तो मैंने इसमें मिक्सी में पिसा हुआ टमाटर को डाल दिया है। जब हमारा टमाटर में अच्छे से हल्के से बॉयल आ जाए, देखिए इस विंटर में तो वैसे भी तरह तरह की सब्जियाँ आ रही हैं तो हमें किसी ना किसी फॉर्म में सब्जियों को तो खाना ही चाहिए। आप जब इस मेथड से इस पालक पनीर को खाइएगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि इसका टेस्ट कैसा लगा। जब टमाटर में हल्का बॉयल आ जाए तो उसमें मैं एक कटोरी पालक को भी यूज़ करूँगी। पालक की प्यूरी मैंने पहले ही बना के रख दी थी। आप देख रहे हो कि इसमें मेरे पालक का कलर इतना ग्रीन है, तो ये ग्रीन इसलिए है कि जैसे ही पालक में बॉयल आया मैंने इसको गर्म पानी से निकाल करके वॉश कर लिया। जब पालक में बॉयल आ जाए तो आप उसमें घर में रखी हुई एक कटोरी फेटी हुई मलाई को भी ऐड कर देंगे। मलाई ना हो तो आप बाज़ार की भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें मुझे इसको ऐड ज़रूर करना है क्योंकि इससे क्या होता है हमारे पालक का जो बिटरनेस होती है वो निकल जाती है और उसका जो टेस्ट हो जाता है वो भी एक मीठापन ले आता है। अब हम इसमें अपने मन चाहे शेप की कटी हुई पनीर को भी ऐड कर देंगे। आप अपने कोई भी मनपसंद शेप की पनीर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें पनीर को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
फिर इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि मैं इसमें गरम मसाला इसलिए कम ऐड कर रही हूँ कि एक हेल्दी डिश है ये। मसालों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। हमारी पालक पनीर रेडी हो गई है। इसे खा के तो मैं बताऊंगी, लेकिन आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मुझे मोटिवेट करिए जिससे मैं अच्छी अच्छी डिशेस फिर से लाऊं। थैंक यू।